आज मैं महीना बाद में जाऊंगी ना। अगर नहीं वारेंगे तो क्या होगा? क्या पता, तो पहली बेटी प्रथा है, ससुराल की और माइके की बरकत बनी रहे इनके लिए। मैं रोज कॉल करूँ, पैसे आते रहेंगे, पता नहीं कब तक आएंगे। दीदी के चेहरे पे मुस्कान देखो, 5000 रुपए है ना। अपने भैया लोगों से मिलने की इच्छा हो रही थी मेरे को। मिट्टी और गोबर से लिपाई कर देंगे, यहाँ सब बदला बदला जैसा है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8:30 बजे से, और बात करें मौसम की तो मौसम एकदम मस्त हो रहा है। आजकल धूप भी अच्छी खासी आ रही है और दिन में जो है ना हवा भी चलने लग जा रही है, क्योंकि गर्मी के दिन जैसे स्टार्ट होते हैं तो हवा चलना भी स्टार्ट हो जाती है। और आज का हमारा काम है, ये देखो पूरा आंगन जो है ना, यह इसमें घास जम गई थी, तो आज पूरे आंगन में जो है हमारी माता जी ने जो है ना घास उखाड़ दी है, और इस खुरपे से जो है माता जी घास उखाड़ ली है, और वो सामने से जो है ना गोबर भी रख दिया है। जैसे ही इसकी घास पूरी उखड़ जाएगी थोड़ी देर में उखाड़ देंगे, और उसके बाद जो है हम लोग इसमें मिट्टी और गोबर से लिपाई कर देंगे, क्योंकि जब बारिश हुई थी ना तो बारिश से जो है हमारा आंगन पूरा का पूरा उखड़ गया था, तो तब से हम लोगों ने इसकी लिपाई नहीं करी है। तो आज जो है हम इसकी लिपाई करते हैं, क्योंकि अब बारिश का होना तो मुश्किल ही है। और आज आसमान में कुछ इस तरीके से बादल लग रहे हैं, देखो। तो हमारे आंगन की लिपाई शुरू हो गई है, और लिपाई करनी है मैंने और भाभी जी ने, और माता जी जो है ना फिर से आज उसी खेत में गई है जिस खेत में माता जी कल कूड़ा निकाल दी थी, और बापू जी अपने बकरियों के काम पे लगे हैं। हम लोगों ने जो है ना आंगन की लिपाई तो पूरी कर दी है, और जैसे ही आंगन की लिपाई पूरी हुई तो वैसे हमारी बड़ी दीदी भी पधार गई है। अपने भैया लोगों से मिलने की इच्छा हो रही थी मेरे को। हाँ, यहाँ सब बदला बदला जैसा है। अच्छा, क्या क्या बदला है? सभी कुछ बदला है। अच्छा, तो बहुत दिनों बाद जो है ना हमारी दीदी आई है हमसे मिलने के लिए, और दीदी बोल रही है कि सब कुछ बदला है। बदला हमने क्या किया वो तो आप लोगों को पता ही है, झोपड़ी तोड़ दी, दूसरी जगह बन रही है, आज इसी प्लक्स में जो है ना आंगन भी लीप दिया, वरना ये बोलती यार कितना गंदा आंगन कर रखा है, तो अच्छा हुआ कि यार हम लोगों ने जो है ना आंगन लीप दिया आज। आज जो है ना हमारे चूल्हे वाली रसोई में जो है ना दिन में ही पकवान बनने स्टार्ट हो गए हैं, और ये पकवान क्यों बन रहे हैं ये तो हमारी भाभी जी बताएंगी। मेरी माइके के लिए। क्या बात? आज मैं महीना बाद में जाऊंगी ना, मतलब कल से लग रहा है चैत का महीना। हाँ, तो आज फागुन खत्म हो जाएगा, कल से चैत लगेगा। चैत लग जाएगा, इसलिए मैं चैत बाहर नहीं जाऊंगी। चैत किसके लिए बाहर नहीं जा रहे हो? सासू ससुर जी के लिए। अच्छा, वापसी कितने दिन में होगी? वापसी होगी 1 महीने बाद। 1 महीने बाद? नहीं, मतलब 2 हफ्ते लगभग, उसके बाद आप मुझे देखेंगे, 2 हफ्ते बाद देखेंगे आप। अब हमारे व्यूअर्स हमें, तो भाभी जी शादी के बाद पहली बार जो है ना महीना बारने जा रहे हैं, और ये वाला महीना बारते हैं सास और ससुर के लिए, तो वो बना रहे हैं पकवान, और जब तक पकवान बन रहा है तब तक मैं और दीदी कहीं जा रहे हैं काम से, और जाएंगे हम अपनी स्कूटी में। अभी दीदी और मैं आए हैं लोहरिया साल तल्ला ऊंचा पुल में, और हम लोग आए थे इस चेक को रिन्यूअल कराने। ये जो चेक था ना मेरी भांजी का है, तो ये कन्यादान वाला चेक था, तो इसमें क्या है कि अभी 10 साल बाद, अभी मेरी भांजी जो है 11वें साल की हो गई, तो 10 साल बाद ये फिर से रिन्यूअल हो रहा है, तो हम लोग जो है ना इसको रिन्यूअल कराने आए थे। तो ये हो गया है रिन्यूअल, इसमें यहाँ पर चढ़ा भी दिया है, और अब जो है हम लोग चलते हैं यहाँ से घर को। और हमारे दीदी के चेहरे पर मुस्कान देखो, 5000 रुपये आए ना, है 10 आ गए, 5 पहले 5 अभी ना। हाँ, तो इसलिए जो है ना दीदी खुश हो रखी है। अभी अब कब आएंगे? 2031 में। तो कुल मिला के जो है ना, मतलब इसमें पैसे आते रहेंगे, पता नहीं कब तक आएंगे, तो अगली किस्त जो आएगी वो 2031 में आएगी। तो हम लोगों ने अपना काम तो करवा लिया है, और अब जो है हम लोग यहाँ से निकलते हैं घर को।
तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं कुंवरपुर चौराहे पे और यहाँ से दीदी जो है अपने घर को जाएगी और दीदी का घर जो है ना इससे नीचे को है दानी बंगर साइड और मैं जाऊंगा अपने घर और मेरा घर जो है ना पीछे को है। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30 और आज जो है ना हमारी भाभी जी जा रही हैं अपने मायके महीना बारने क्योंकि ये चैत का महीना आने वाला है तो चैत का महीना बारते हैं जब शादी होती है उसके पहली बार जब चैत का महीना आता है तो बारते हैं सासू के लिए और ससुर जी के लिए। अगर नहीं बारेंगे तो क्या होगा कि पता तो पहली बेटी प्रथा है अच्छा, अच्छा तो चैत का महीना बारते हैं सास और ससुर के लिए 8 दिन लगभग और जाते वक्त जो है ना भाभी जी देली की पूजा कर रही हैं मतलब कि देली में चावल डाल रही हैं और देली पूजन क्यों होता है ससुराल की और माइके की बरकत बनी रहे इनके लिए। अच्छा और तो देली पूजन हो रहा है कि ससुराल और मायके में जो है ना दोनों जगह बरकत रहे और भाभी जी को छोड़ने जा रहा हूँ मैं पिठियाँ भी लग चुका है अब और हम लोग निकलते हैं। थोड़ा सा क्या हो रहा है ना कि थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा है आज कि थोड़ा लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं। कितने दिन रहोगे? 2 हफ्ते। 2 हफ्ते उसके बाद अब आप लोग मुझे देखेंगे 2 हफ्तों के बाद। ये तो खुश हैं लेकिन जो है ना यहाँ थोड़ा सा उदासी जैसी लग रही है और हमें भी थोड़ा सा उदासी लग रही है क्योंकि होता ना कि यार एक भाई बहन का ऐसा रिश्ता है लेकिन मैं रोज कॉल करूंगी वीडियो कॉल करूंगी और बताइए कि क्या करना है हमको जैसा भी करोगे। तो चलते हैं हम लोग क्योंकि मुझे शाम को जो है ना वापस भी आना है और